रीवा मध्य प्रदेश जवाब ब्लॉक अंतर्गत देवरी देव मुनि सरपंच को काउंटिंग सही न होने का लगाया गया आरोप। जी हां, आपको बताते चले, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी के। आपको भली भांति मालूम ही है इस समय पंचायत चुनाव कराया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं हारे हुए प्रत्याशियों के मन में कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं और कुछ ना कुछ आरोप लगाना बड़ी बात नहीं है। आप हमारी वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं कि देवरी पंचायत के जीते हुए सरपंच पद के प्रत्याशी देव मुनि के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने अपनी व्यथा मीडिया से कैसे बताते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए पनवार से मनोज गुप्ता की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देव मुनि कौल। देव मुनि, क्या समस्या है आपको? समस्या यह है कि हमें गांव घूमने से आज आपके काउंटिंग में सही नहीं काउंटिंग है, इसलिए हम आपत्ति लगा रहे हैं। तो आप आपत्ति लगाने जाएंगे? ना, आप आपत्ति लगाने नहीं जाएंगे? ना। तो आपको किससे समस्या है? अपने प्रतिद्वंदी से। क्या नाम है उनका? उनका नाम है बलराम और सतवंत। वो आप कितनी वोट पाए थे? हम पाए थे अपने में देवरी पोलिंग में 126। पूरे पंचायत में? पूरे पंचायत में 222 वोट पाए थे। 222। और वो जो मतलब आपको आरोप लगा रहे हैं, वो कितनी वोट पाए थे? वोट पाए हैं 214, एक पाए हैं 212, एक पाए। तो जीत किसकी हुई है? जीत हुई है 222 वाले की। क्या नाम है? देव मुनि कौल। देव मुनि कौल। आपके पिताजी के क्या नाम है? श्री राम लाल कौल। किस गांव से हैं आप? देवरी। ब्लॉक कहां से? जबा। रीवा जिला से है ना? जी। आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, सहयोग हमारे। ठीक, धन्यवाद। पोलिंग बूथ 268 में आप कितने वोट पाए थे? 126 वोट। और 61 में? 61 में पाए थे 96 वोट। अच्छा, तो विजय आपकी हुई है मौके पर? जी हाँ। तो आपको आरोप लगाया जा रहा है कि आप नहीं जीते हैं, काउंटिंग दूसरी बार कराई जाए। हाँ, ये आरोप लगा रहे हैं जी। और आप क्या चाहते हैं? हमारे साथ इंसाफ किया जाए। चलिए ठीक है।